मैं हूँ नेहा सिंह, बोल बोल बॉलीवुड के साथ, और लेकर आई हूँ बिग बॉस का रिव्यू। अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूँ तो जहाँ मैंने आपको कल ही बताया था कि ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की दोस्ती टूट जाएगी, वहीं उन दोनों ने जमकर उठाए आज एक दूसरे पे हाथ, जमकर दी हैं एक दूसरे को गालियां। वहीं शहनाज की वजह से बहुत सारे लोग हो गए हैं घर में नाराज। साथ में आरती ने पहली बार हिमांशी को लेकर कही है कुछ ऐसी बात जिसपे हिमांशी काफी नाराज नजर आई हैं। वहीं खेसारी धीरे धीरे, मैं कह सकती हूँ बिग बॉस हाउस में अब वो नजर आने लगे हैं। साथ में ही घर में जो कैप्टनसी वाला जो टास्क था उसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया, और कौन घर का नया कैप्टन बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी, या कौन नहीं बनेगा ये भी मैं आपके सामने रिवील करूंगी। उसी के साथ बिग बॉस ने लग्जरी बजट जो हर हफ्ते दिया जाता है उसे लेकर नया टास्क दिया है, जिसमें फिर से वही हंगामे वही ड्रामे हमें देखने मिले हैं। तो चलिए आपको चीजें डिटेल में बताती हूँ कि क्या और कैसे हुई है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी बिग बॉस हाउस में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम, जो राम और लक्ष्मण की जोड़ी माने जा रहे थे घर के अंदर, उन दोनों की मैं कह सकती हूँ दोस्ती इस हद तक, कहा जाता है ना दोस्ती भी जब हद से ज्यादा हो और जब वो दुश्मनी में बदलती है वो तो बहुत ज्यादा ही हद क्रॉस करती, बस बिल्कुल ऐसा ही दिखने मिला है आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की इस दोस्ती टूटने पे। क्योंकि जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम ने स्टार्टिंग में एक दूसरे से बात किया, उन्होंने वो आसिम को जो जो लगा उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के सामने वो सारी बातें उन्होंने रखा, और उन्होंने कहा कि आप जो हर बार करते थे या आप जो हर बार कहने की कोशिश करते थे, मैं अगर हर बार आपको आपका साथ देता था तो इसलिए नहीं क्योंकि आप कैप्टन, आपसे हम डरते हैं या आपके हम दबाव में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि, और आप जो कैप्टनसी अपने ऊपर आपको ऐसा लगता है कि आप कैप्टन आप हमें चला रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। हम अगर आपकी बात सुनते थे, आपकी बात पे हम हाँ बोलते थे, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको हम दोस्त मानते हैं और दोस्त की बात सुनना सही है, पर आपको इतना ज्यादा बुरा लगता है जब आप किसी के हाँ में हाँ नहीं मिला पाते हैं या कोई आपके हाँ में हाँ नहीं मिला है, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप अपने हिसाब से गेम चलाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं। पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी, और जितनी भी चीज आसिम के अंदर थी, चाहे वो टास्क को लेकर थी, चाहे इससे पहले जितनी भी चीजें उन्होंने फेस की है सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, आज उन्होंने वो सारी बातें उन्होंने उनपे उतारी है। सिद्धार्थ शुक्ला का अलग एक रवैया था उस पूरे बात के दौरान, वो देखने मिल रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ने वो बात भी उनसे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वहीं आसिम ने ये बात कहा कि जब आपके अगेंस्ट बात करो तो आपको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा आप मेरी टीम से आउट हो जाओगे, बोलते ये तो आपका तरीका ही, आप तो हमेशा ये बात कहते हैं कि आपकी टीम से आउट हो जाओ या आपको ये सारी चीजों का आपको सबको हमेशा बुरा लगता है, पर ठीक है इस टीम का पार्ट मैं खुद नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि ये टीम चार लोगों की थी, अब मैं इस टीम का पार्ट नहीं रहना चाहता हूँ। वही सिद्धार्थ शुक्ला पहली बार ऐसा नजर आया कि वो किसी को अपना पक्ष समझाते हुए नजर आ रहे हो ना, नॉर्मली उन्हें ऐसा था कि भाई तुम सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, पर वो आसिम के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं ये चीज किया, अगर मैं उस टास्क में आके तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो उन्होंने ये भी समझाया कि लड़कियां चाहती थी इस बार वो घुस के वो बोरियां भरे, इसलिए मैं नहीं इन्वॉल्व हुआ। तो आसिम ने, पर आसिम उनकी किसी बात को हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं तैयार थे, उन्होंने ये कहा कि अगर उन लड़कियों ने ना कहा तो भी आप कुछ कर सकते थे क्योंकि आप मुझे ब्लेम कर रहे थे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस इसी चीज को लेकर दोनों में जमकर झगड़े हुए। तो सबसे पहले मैं आसिम और मैं सिद्धार्थ शुक्ला के ही टॉपिक पे मैं मेन रहना चाहूंगी। वहीं अगर शहनाज की मैं बात करूं तो शहनाज जब बर्तन धो रही थी आसिम ने उन्हें कमेंट पास कर दिया, साथ में भाऊ भी थे वहां पे और खिसारी भी थे, उन लोगों ने भी ये कह दिया कि अब आपका क्या होगा, आप मतलब इसी तरह मजाक करती रहेंगी, आप डिप्लोमेटिक हो चुकी। इस चीज पे शहनाज को गुस्सा आ गया, शहनाज ने जमकर झगड़ा किया, और जब शहनाज ने झगड़ा किया उस झगड़े में उन्होंने पता नहीं कहां से सिद्धार्थ शुक्ला को ला दिया, और वो बात वहां से हटके सिद्धार्थ शुक्ला तक पहुंच गई, और सिद्धार्थ शुक्ला तक वो बात गई तो वो आसिम को उन्होंने इन्वॉल्व किया, और आसिम और उनके बीच में इतनी ज्यादा झगड़े बढ़ गए कि दोनों ने एक दूसरे पे हाथ तक उठाया, मतलब दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा, जिसपे आसिम ने ये बोला कि मैं आपसे कम ताकतवर नहीं हूं। वहीं आरती, शेफाली और शहनाज पूरी तरह सिद्धार्थ शुक्ला को साथ देते हुए नजर आई, उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं आसिम के अगेंस्ट नजर आए, उन्होंने कहा कि आसिम गलत कर रहे हैं। वहीं आरती और शहनाज कह सकती पूरी तरह कान भरते हुए सिद्धार्थ शुक्ला का नजर आते हैं, और वो साफ तौर पे नजर आता है जहां पे ये सारी चीजें हुई थी आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की, जो नोक झोंक है या जो बहुत बड़ा झगड़ा है वो तो बीच बीच में हमें देखने के लिए पूरे कल के एपिसोड में कह सकते हो और आज के एपिसोड में, दोनों भी एपिसोड में हमें खास तौर पे देखने मिला। वहीं अगर मैं आरती की बात करूं तो मुझे आरती कहीं से भी समझ में इस पूरे गेम में अब नहीं आ रही है, क्योंकि आरती एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला के रवैये को लेकर रोती रहती है, वहीं पे वो फिर सिद्धार्थ शुक्ला की चमचागिरी करती है, तो ये चीज नहीं समझ में आती। आप कहते हो आप सोलो खेलोगे तो आप सोलो खेल कर दिखाओ,
जहाँ पे आसिम ने ये बात कहा है कि वो सोलो खेलेंगे और वो खेल के दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अगर आज जो मैं दो दिन से उनका जो झगड़ा देख रही हूँ वो कट ऑफ हो चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला से और उनके बदौलत वो नहीं खेल रहे हैं। वहीं पे आरती कोने में रोती हुई नजर आई देवो के सामने, वहां पर रश्मि भी आई और देवो के सामने और रश्मि के सामने उन्होंने ये कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता वो जिस तरह से बात करते। रश्मि कहती है आप बहुत अच्छा प्ले करिए, आप अलग, यही सेम चीज कल भी हुआ था, कल भी वो रोई, उसके 10 मिनट बाद हुआ वापस सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बैठ गई और वो वापस आसिम के खिलाफ कान भरते हुए नजर आई और वापस आसिम ने आके उन्हें यही बात कहा जब आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में वापस तू तू मैं हुआ, तो तब भी उन्होंने यही कहा कि इन दोनों लड़कियों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वहीं शहनाज ने भी ये बात कहा कि जो भी चीज हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। वहीं खेसारी और शहनाज के बीच में भी जमकर झगड़ा हुआ है, जहां पे खेसारी ने उनको कुछ बोल दिया, शहनाज उन पे पूरी तरह टूट पड़ी, जिसपे खेसारी ने आज जमकर मजे लिए हैं शहनाज के। और खेसारी ने ये तक कहा कि आप इतनी चिड़ क्यों रही हैं, आपको चिड़चिड़ा होने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा लग रहा है आपका चार्म खत्म हो रहा है क्योंकि आप अब डिप्लोमेटिक बन रही है, जिसपे शहनाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, शहनाज बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, बर्तन छोड़ के वो बैठ गई, फिर वापस बर्तन घसने गई। पर खेसारी अब धीरे धीरे गेम के अंदर नजर आ रहे हैं और अपना वो गेम खेलेंगे भी बहुत जल्द। वहीं पे रश्मि और अरहान की कहीं ना कहीं नजदीकियां खुल के सामने आने लगी है घर के अंदर, क्योंकि अरहान जितना ही दूर रहने की कोशिश रश्मि से कर रहे हैं, रश्मि उनके पास बहुत जा रही है और उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। आज ऐसा एक मौका हमें देखने मिला था जहां पे रश्मि और अरहान एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरहान ने रश्मि को ये बात समझाया कि मैं आपसे इतना बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे चारों तरफ कैमरा है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जो आपकी इमेज तक चली जाए और आपकी इमेज खराब हो, बस इसकी वजह से मैं आपसे थोड़ा दूर रहता हूं। तो जिस पे रश्मि काफी भड़क गई, उन्होंने कहा कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है, पर आप इस तरह नहीं कर सकते। रश्मि का पूरी तरह इंटरेस्ट जो अरहान के लिए है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है शो के अंदर, पर अरहान उनसे ये बात उन्हें समझाने पे लगे हुए हैं कि इतने बड़े मंच पे इस तरह खुलासा होना, अब रिलेशन दोस्ती के आगे वो तो साफ तौर पे नजर आ रहा है, जहां पे दोनों में काफी टूटू मैं हुई, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं जब बेड पे रश्मि सोई हुई थी, अरहान उनके बाजू में थे, अरहान ने उनसे माफी मांगा, फिर दोनों के बीच में एक अच्छा सा स्वीट मोमेंट हम कह सकते हैं, बहुत प्यारा सा मोमेंट उनके बीच में देखने मिला था। वहीं मैं अगर बेडरूम तक गई हूं तो चलिए बेडरूम में हुए हैं बहुत बड़े बड़े धमाल, तो वो आपको मैं बता देती हूं। जहां घर वाले सो रहे थे, एक बार बिग बॉस ने उन्हें वार्निंग दी कि आप उठिए, उसी के बाद कंटिन्यू घर वाले सोते हुए नजर आए, फिर बिग बॉस ने कहा आप उठिए, तो उसके बाद रश्मि को उन्होंने अनाउंस किया और रश्मि को उन्होंने ये कहा कि सारे घर वाले लोग को आप कहिए कि वो लिविंग एरिया में है और मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। रश्मि ने कहा जी हाँ, वो गई और सारे लोगों को बाहर लेकर गई और ये बात समझ में आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं बिग बॉस उन्हें कुछ ना कुछ दंड जरूर देंगे और दंड के और कह सकते पनिशमेंट के रूप में उन्हें ये दिया गया। बिग बॉस ने पहली बात उन्हें बहुत बहुत सुनाया, उन्होंने ये कहा कि आप कैप्टनसी के लिए खड़े हैं, आप जब खुद किसी चीज का पालन नहीं कर सकते तो आप दूसरों से क्या पालन करवाएंगे, और इस घर में कैप्टन पालन रूप में जो भी रहता है, जितने भी उनको काम दी जाती है उनका सही चीज से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है नियमों का, उस पे ध्यान दिया जाता है, पर आप में से कोई भी मुझे उसके लिए सही नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने इस बार का जो भी कैप्टन का था उन्होंने पूरी तरह रद्द कर दिया है और इस हफ्ते कोई कैप्टन नहीं बनेगा ये डिक्लेयर कर दिया है। वहीं पे शेफाली जो कैप्टन रह चुकी है उन्हें भी उनकी पोस्ट से रिलीव किया गया, उन्होंने ये कहा गया कि अब भी कैप्टन नहीं है। वहीं पे ये सारी चीजें देखने मिली है। जहां पर सोने को लेकर विशाल और भाऊ के बीच में जमकर हुई है बहस, जहां पे भाऊ आज कहीं ना कहीं लोग काफी हद तक नजर आ रहे थे, क्योंकि विशाल ने बिग बॉस से ये पूछा कि बाकी लोग तो नींद की गोली खा के सोते रहते हैं तो आप हमें क्यों नहीं अलाउ करते हो, इनका दांत दर्द होता है तो ऐसी गोली खाते उन्हें नींद आ जाती है। जिसे भाव ने कहा कि अगर आपको नाम लेना आप साफ तौर पे ले, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना नाम उसमें इन्वॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, जिसमें दोनों में बहुत बड़ी बहस हुई है। वहीं आरती विशाल का साथ देते हुए नजर आई, मतलब आरती बिना वजह के झगड़ों में क्यों इन्वॉल्व होती है ये ना घर वालों को समझ में आता है ना हम जो देखते हैं हमें समझ में आता है, वो उस झगड़े में इन्वॉल्व हुई। जहां पे भाऊ ने भी उनको ये बात बोला कि तुम्हें बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी जब ये दो लोगों की बात चल रही थी। वहीं पे आज आरती ने कहा मुझे जो सही लगा मैंने बोला और वो इस बात से रूते मनाते हुए पहुंच गए सिद्धार्थ शुक्ला के पास। एंड ऑफ डे शहनाज की बात हो आरती की बात हो, ये दोनों पता नहीं क्यों सिद्धार्थ शुक्ला के पास जाते हैं, वो क्या ही कर लेंगे वो पता नहीं, पर वो वहां तक पहुंच जाते हैं। वहीं आरती की अगर मैं बात करूं या शहनाज की बात करूं, ये दोनों जन जबरदस्ती किसी के भी झगड़े में जाएंगे और सबसे बड़ी बात है वो सिद्धार्थ शुक्ला को कहीं से भी इन्वॉल्व करेंगे। यही बात आज हिमांशी आरती के सामने कहती हुई नजर आई। हिमांशी ने ये बात कहा कि
जब शहनाज और आसिम का झगड़ा हो रहा था उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं लाना चाहिए था बीच में। इस बार पे आरती को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि उन्हें वैसे भी बहुत गुस्सा आता है अगर सिद्धार्थ शुक्ला का पक्ष कोई और ले, मतलब उनके सपोर्ट में कोई और बात कही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी करूं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए मैं ही करूं। और जिसपे वो हिमांशी पे बरस गई और उन्होंने हिमांशी को ये बात कहा कि आप कौन होती हैं, जब आपको ये कोई चीज पता नहीं है तो आप बीच में मत आके बोलिए, आपको कोई चीज समझ में नहीं आता। हिमांशी हम जानते हैं वो झगड़ा करना नहीं जानती, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जो लगा वो मैंने कहा। पर हिमांशी अपनी ये बात आसिम और शेफाली को कहते हुए वो साफ तौर पे नजर आई, उन्होंने ये बात कहा कि मैंने सिर्फ आरती को ये कहा पर आरती ने जिस तरह से रूड बिहेव किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इवन मेरे ख्याल से जो हिमांशी के फैंस हैं उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि वो सही बात कह रही थी। अगर दो लोग लड़ रहे उसमें जबरदस्ती सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेना और उन्हें इतना इंपॉर्टेंस देना ये तो गलत ही है। तो ये सारी चीजें हुई। तो वहीं बिग बॉस ने दिया है घर वाले लोगों को एक नया टास्क जहां पे लग्जरी बजट है और आप कुछ ना कुछ घर वाले कुछ ना कुछ बजट मतलब ऐसा होगा कि आप कमा सकते हैं घर पे खाने के लिए। वहीं दो टीम डिवाइड हुई है, दो टीम में इस बार सिद्ध के टीम में सिद्धार्थ शुक्ला की टीम में अरहान शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह का टीम है, पहली बार रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला की जो टीम है सिद्धार्थ शुक्ला की टीम में अरहान चले गए हैं। तो घर में ये है कि पेपर्स दिए जाएंगे, कलर्स दिए जाएंगे जिससे आपको पेपर रंगना है और एक वॉल बनाया जाएगा लकड़ी का घर जिसपे आपको पूरा स्टिकर करना है उसको। और उसके बाद जो भी जिसका घर तोड़ सकता है दोनों टीम में से, जिसका घर नहीं बनेगा वो हारेगा, जिसका घर बन जाएगा वो टीम जीतेगा और उस टीम को लग्जरी बजट का पूरी अच्छी तरह मौका मिला जाएगा कि इंजॉय कर सके वो लग्जरी बजट को और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये मौका दिया था बिग बॉस ने जहां पे दोनों टीम डिवाइड हुई थी, येलो एंड ब्लू टीम। पर मैं कह सकती हूँ मतलब ये घर वाले कुछ काम ढंग से कर लिए तो हो ही नहीं सकता है, लग्जरी बजट की चीजें चालू हुई हैं। वहीं पे एंड होते होते शहनाज ने आकर रश्मि लोग की टीम का पेपर फाड़ दिया है। बस उसी के बाद होने वाले बढ़ के एक से बढ़कर एक धमाल जो आपको कल देखने मिल जाएगा, कल मेरे रिव्यू में आपको पता चल ही जाएगा। बिग बॉस फिर इस गेम को रद्द कर देंगे पर उसकी मेन वजह क्या होगी ये तो आने वाले कल के एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा। पर आपको मेरा आज का ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सच में आपको लगता है आसिम और सिद्धार्थ फिर एक दूसरे के साथ हो सकते हैं? वही शहनाज और आरती सच में जानबूझ के टीआरपी गेन करने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेती है क्या? अरहान और रश्मि, अगर मैं अरहान और रश्मि की बात करूं क्या सच में दोनों के बीच में प्यार है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बॉलीवुड के साथ।